सिस्टर चॉकलेट के वीडियोस अपलोड है यूट्यूब पर, लेकिन उन वीडियो में और हमारे वीडियो में थोड़ी सी अलग रेसिपी है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। रेगुलर पीनट क्लस्टर चॉकलेट के कंपेयर में ये चॉकलेट बहुत ही टेस्टी है, तो यहाँ पर मैंने लिए मूँगफलियाँ। मेरे पीनट क्लस्टर चॉकलेट टेस्टी है क्योंकि जो बाकी वीडियोस आप देखेंगे वहाँ पर आप पीनट भूनकर या फिर उन्हें कच्चे ही यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो पीनट्स लिए हैं वो नमक डालकर उबाले हुए मूँगफलियाँ हैं और इसे अच्छे से सुखा कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पर भी कम नमक डालकर पकाए हुई मूँगफलियाँ ही आपको लेनी है। ज़्यादा नमक इस चॉकलेट में अच्छा नहीं लगेगा, तो इस तरह मैंने इसके हाफ हाफ कट पीसेस कट कर दिए हैं और यहाँ पर मैंने व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट कर दिया है। व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट करने की मेथड आप इससे पहले वीडियो में देख चुके हो और इसमें मैंने ये जो पीनट्स है उसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इस व्हाइट कंपाउंड को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हमें इसे चॉकलेट का शेप देना है। हमें इसे सिर्फ हाथों से ही बटर पेपर या फिर आप प्लास्टिक पेपर पे भी इसे सेट करने के लिए रख सकते हो। इस चॉकलेट में भी हम ऊपर से डालने वाले हैं हमारे चोको चिप्स, जो डार्क चॉकलेट कंपाउंड के हैं। उसी से एक अच्छा सा क्रंचीनेस आता है, एक हल्का सा नमक मूँगफलियों में और ये चॉकलेट चोको चिप्स का क्रंचीनेस से ये चॉकलेट बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप इस टेस्टी पीनट क्लस्टर चॉकलेट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चॉकलेट सीरीज़ में बहुत सारे वीडियोस अपलोड है, उनकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। हर एक वीडियो में हमारी अलग अलग टिप्स होती है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अब इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हमने जो पीनट क्लस्टर चॉकलेट बनाए हैं इसे आप एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रखिए। अगर आप इसे ओपनली रखेंगे तो बाकी जो भी आपके फ्रिज में सामान है उसका स्मेल ये चॉकलेट एब्जॉर्ब कर लेंगे और बाद में खाते वक्त आपको ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप इसे डार्क कंपाउंड चॉकलेट के साथ भी बना सकते हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स, और फिर मिलेंगे ऐसी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।